हेलो ऐसा है या नहीं है? यस ऐसा है या नहीं है? यस सर। आपको हम मिल रहा है जो चिल्लर मिलता है नौकरी के रूप में, ईमानदारी से बताओ नौकरी से गुजारा हो सकता है? ईमानदारी से हो सकता है? नहीं। तो पवन भाई को क्या आप नौकरी करने की सलाह दोगे? नहीं। पवन भाई क्या नौकरी आपकी लग जाएगी? कितने की लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा? 10,000-20,000। कितने पढ़े लिखे हो? प्लस टू पास। उम्र कितनी है? नौकरी में तो पूछते हैं ना। 37 साल 20,000। अच्छा 20,000 की नौकरी लग गई तो ये 35,000 पर तक हो जाएंगे। उम्र बीत जाएगी ना, और बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या चाहिए सर? कैपिटल के अलावा क्या चाहिए आप बताओ? पैसा तो चाहिए, वो बता दिया। पैसा के अलावा चाहिए जगह। बिजनेस खोलना कहाँ है, कहाँ खोलोगे? मौसम खराब है भाई, सही जगह खोलोगे कि नहीं? पुल के नीचे खोली तो लोग आने वाले नहीं है। सरकार का नियम आ गया, पुल ऊपर से बनेगा तो बिजनेस खत्म है कि नहीं? पलवल का रोड था, पलवल में पहले कोर्ट कचहरी आ गए लोगों के पास थी, अच्छे बढ़िया चलता था काम। सरकार का नियम आया कुछ भी ले जाओ, वहां जो दुकान जमी जमाई थी क्या रहा होगा उनके साथ? बाम जी खेड़े में दुकानों घर और घर जा रही है। लाइव कहानी बता रहा हूँ, जो पुल के घर और दुकान थी जो गई, बहुत सारी लोगों ने तो रेंट पे ले ली थी, महंगी ली थी। ऐसे चलता रहेगा बिजनेस की हालत ये थी क्या? यस। आदमी कर्मचारी रखेगा दो तीन, उसके बाद भी जब तक 8-10 घंटे लगाएगा तो बिजनेस चलेगा। बिजली नहीं जाएगा दुकान पर होते बिजनेस नहीं चलेगा। सब लगाने के बाद भी इनकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है बस। और इनकी दुकान है टेलर की, किसकी? बढ़िया कोट पैंट बढ़िया सिल रहे हैं। और मैं इनके पास पहुंचा, उस्ताद जी मुझे अपने पास लगा के सिखा दो। और इन्होंने मेरे जैसे 10 आदमी भी सिखा दिए। कितने? 10। अब मुझे बताओ इनका काम बढ़ेगा या घटेगा? है जी बढ़ना चाहिए, 10 आदमी भी सिखा दिए इन्होंने। वे दुकान खोलेंगे गुरु जी? आज के 10 दुकान खुल गई इनके सामने तो बिजनेस घट गया, क्योंकि आदमी किसमें मर रहा है? कंपटीशन। किसमें सर? कंपटीशन। आप नारियल लेने जाओ मंडी से लाना 40-50 रुपए का मिलेगा। किसने का? 40। दूसरा वाला? यस। और आप जियो मार्ट से लेने जाओ 35 रुपए का मिलेगा। कहाँ से लाओगे? जियो मार्ट। वो तो दे सकता है घाटे में भी, क्योंकि जब जाओगे तो नारियल धोनी लाओगे और बहुत सारी चीज लाओगे। कंपटीशन गरीब आदमी से है नहीं कर सकता। आम आदमी बिजनेस कैसे शुरू करता है? किसी घाटे ससुराल से उठाए कुछ पैसे, कुछ रातेदार द्वारा से उठाए कुछ पैसे, जैसे तैसे दुकान खोली बैठ गया। बिजली का किराया, दुकान का किराया, वो ही मार लेता है आदमी को। और सबसे बड़ी चीज है सर उधारी। क्या मार लेती है सर? उधारी। अब बताओ 1,00,000 रुपए लगाने के लिए से कितना पैसा लगाना पड़ेगा भाई? बोलो बोलो। 1,00,000 लगा दे तो आ जाएंगे 1,00,000 का महीना। नीचे गोयल साहब बैठे हैं, गोयल साहब कितने लगाने पड़ेंगे? 10,00,000 में देता हूँ आज ही, 1,00,000 का महीना दे दो मुझे। सीधा सिस्टम है। हाँ अरे कमाल है लोग सर, 1,00,000 रुपए का घर लेते हैं तब जाके 25,000 रुपए रेंट आता है। फिर तो 10,00,000 रुपए लगा के 1,00,000 खाई जाएगी, क्या दिक्कत है? 10,00,000 तो छपे हैं, फिर नौकरी करने के लिए घर बेचो। Yes, sir. 1,00,000 को महीना नहीं करना पड़ेगा। 50,000 बोला मैं गणित लगवाऊंगा तो पूरा लगवाऊंगा, कम से कम आपको 50,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। उसके बाद भी गारंटी नहीं है, बॉन्ड पर लिख के नहीं दे सकता कि 1,00,000 रुपए महीना पूरा भाई को आ जाएंगे। Yes, भाई सही कह रहा हूँ या गलत? अच्छा कितने लोग मान रहे हैं खेती बाड़ी तो किसान है उसमें 1,00,000 रुपए महीना कमा लोग? छोटी खेती तो बात उसको खत्म कर देती है किसानी। हेलो बोलो बोलो बताओ सर। सर कच्चे पे तो है सके 40,000 रुपया, मतलब 1 किला के 1 किला के 10 किला है हमारे गुरुजी पे, 10 किला है गुरुजी पे, चैन पे चल रहे हैं हमारे गुरुजी है ना। अब सुनो ये चल रहे हैं
एक आदमी अब 10 किला कितने आदमी को हो सके मैं तो आप सबसे बात करने आया हूँ yes, sir. आप सब में अगर ये सुनो बात वापस कितने किलो जी सर मैंने कभी कैसे कमा बिल्कुल मैं बात करने आया